हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूते का माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। यदि हम आपको माला पहनाने का हम काम करने आए हैं। दुर्दांत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है। मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हत्या की गई उमेश पाल की, राजू पाल की, आप जूतों की माला लेकर के आए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये दुर्दांत अपराधी है? इसके तमाम सारे शूटर्स हैं। इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और अरुण पाल भी चला जाएगा, कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही, भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है, जब ला रहा है लाया जा रहा है तो करेक्ट डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है उसके देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, ये सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटफने नहीं पाएगा। पूरे परिवार यह जूता है, उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। यह अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को। कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जान कभी डरती नहीं, लड़ना सीखी है। और वरुण देव पाल, हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता तो उनके परिवार को बड़ी खुशी होती है। जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं, किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। अतीक के चाहे जितने शूटर, कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा राम पाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। सजा हो जाएगी जरूर, सजा होगी इनको जो है, आजीवन कारावास होगा, फांसी नहीं आजीवन कारावास होगी। वरुण देव पाल रुक जाए रुक जाए, यह जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अतीक अहमद ऐसा कुख्यात माफिया है, उसको पहनाने के लिए आया हूँ। मैं वरुण देवपाल जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को यह खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा है तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते माला पहनकर वो जो अपनी सजा सुनने को आया है। जूता किसका है? यह जूता उमेश पाल राजू पाल के परिवार का जूता है।